लाइन ऑर्डर की हालत इतनी गिरी हुई है, जिस दिन आप लोग इसको फेयर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में कहने लगेंगे, उस दिन मालूम होगा। एक दिन बदलाव होगा और जरूर होगा। लगातार चुनावी माहौल है और बीजेपी अपने स्तर पर लगातार ऐसा दमखम लगा दे रही है चुनाव जीतने के लिए। गुजरात चुनाव भी आ रहा है, लगातार सभी पार्टी के नेता अपना दमखम लगा दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अभी जो मौजूद हैं, जौनपुर से सांसद हैं बसपा से, श्याम सिंह यादव जी। तो श्याम सिंह यादव जी, बसपा पार्टी का अगर हम पूछें तो अभी तक वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बैकफुट पर जाती हुई नज़र आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम दिखाई भी दे रहे हैं और बैकफुट पर भी नहीं जा रहे हैं। मात्र आप पिछले यूपी विधानसभा के चुनाव को मद्देनज़र कहते हुए ये बात कह रहे हैं, वो लागू नहीं होता इस समय। हमारी संख्या बल ज़्यादा है, हम मजबूत हैं, हम में पोटेंशियल है, हम में प्रतिभा है और वक्त आने पर हम उसको निखार करके रख देंगे। निखार के रख देंगे, लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार जो है ज़मीन पर काम कर रही है, लगातार लोग उसके गुणगान कर रहे हैं, लगातार क्यों वो ही इतना काम भी कर रही है और वो ही नज़र भी आ रही है, क्यों बसपा खोई हुई सी नज़र आ रही है? बीजेपी ज़मीन पर कुछ काम नहीं कर रही है, बीजेपी केवल मीडिया के थ्रू अपनी वाहवाही कराने में जुटी है। यूपी में देखिए इतनी लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब है, गरीब तबका, दलित, माइनॉरिटी सब मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्म और जाति हो रही है, उनको महीनों चक्कर लगाते हैं, FIR तक नहीं दर्ज होती। इवन हम जैसे जनप्रतिनिधि भी कहते कहते थक जाते हैं तब भी FIR नहीं दर्ज होती। तो आप ये अच्छा काम है? लाइन ऑर्डर की हालत इतनी गिरी हुई है, जिस दिन आप लोग इसको फेयर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में कहने लगेंगे, उस दिन मालूम होगा। थोड़ा सा मेरा बहुत आपसे विनम्रता के साथ कहना है कि थोड़ा सा इसमें आप लोग भी उनके प्रति थोड़ी सॉफ्ट हैं। हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप भी थोड़ा फेयरनेस अपनाइए, ट्रांसपेरेंसी अपनाइए। देखिए क्या है, सब दिन एक जैसे नहीं रहते और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लोग उधर से इधर कूद कर आएंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। हाँ, आएगा, एवरी डे चेंजेस, ये भी दिन ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन 6 महीना लगे, साल भर लगे, ज़्यादा लगे, लेकिन एक दिन बदलाव होगा और जरूर होगा। तो ये बदलाव कब होगा? जो अभी आपने कहा अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पे हो रहा है, दलित पे हो रहा है, बहुजनों पे हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुजन भी तो ये जो बसपा है, मुझे लगता है कि अब बहुत दिन नहीं रह गया है। 2024 के ही चुनाव में हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट कर एक साथ हो गई तो बदलाव 2024 में ही हो जाएगा। लेकिन बसपा तो कहीं दिख ही नहीं रही है। बहन जी को जो है ऊपर आरोप लग रहे हैं, हाउस अरेस्ट हो गई हैं, उनको धमका दिया गया है, बहन जी अब नहीं आने वाली हैं, मतलब क्या कुछ है ये कैसे साफ करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपने तरह तरह के लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं और आने वाले चुनाव में बहन जी भी दिल खोल करके उसमें जज्बात के साथ, दमखम के साथ, जोर शोर से चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, आप पार्टी पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा से लड़ने के लिए जो आम आदमी पार्टी आए थे, केजरीवाल जी आए थे, बाबा साहब की तस्वीरें लगाई, उन्होंने बात दोहराई, लेकिन अब वो भी वही बात पे आ गए हैं, लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, फोटो की बात करते हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए मुद्रा पर, तो ये कहाँ तक आप मानते हैं सही है? मे बी केजरीवाल साहब इज टेकिंग ए लीफ आउट ऑफ बीजेपी बुक। उनका हो सकता है कि वो एक उनका नुस्खा वो भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हों, इस पर तो मुझे यही करना है। अच्छा, 22 प्रतिज्ञाओं पे क्या कहेंगे? जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, लेकिन अब उनका सर कलम छोड़ दिए, मेरी सवाल है। हाँ, क्या 22 प्रतिज्ञाओं पर क्या कहेंगे? उनका सर कलम करने की बात कर रहे हैं साधु संत लोग। जब
देश का साधु संत भी सर कलम करने की बात करने लगेगा तो क्या देश का हाल होगा? जिसको हम साधु संत कहते हैं, ये बड़ी बहुत भयावह स्थिति है और बहुत गंभीर स्थिति है अगर साधु संत भी सिर कलम करने की बात करने लगेगा। हम उनसे ऐसी कतई अपेक्षा नहीं करते। सर, बसपा का एक और सवाल पूछना चाहूंगी, बस लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है कि बसपा पे जो लगातार आरोप लग रहे हैं, आप भी तो कहीं दिख नहीं रहे। आप बोलते हैं मीडिया इनकी है, तो आपका मीडिया क्यों नहीं है उधर? नहीं, हम दिख रहे हैं ना, हम दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? बहन जी भी नहीं दिखती है। नहीं, नहीं। जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आप बोलते हुए नहीं दिखते हैं कोई भी? अरे, आप आई ने मेरे पास तो मैं दिख रहा हूँ ना, मैं तैयार हूँ ना। आपने इसके पहले तो ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि हम, आपने बुलाया हो मैंने आया हूँ। उसी तरह से बहन जी भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ। आप हमारे पास आएंगे तो हम जरूर बोलेंगे और बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं, जो हो रहा है बोलते हैं। ऐसी बात टाइम में बसपा भी दिखाई देगी क्या? एकदम दिखाई दे रही है और आने वाले टाइम में भी दिखाई देगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे श्याम सिंह यादव जी, जो जौनपुर से सांसद हैं और बसपा में हमेशा से अपना समर्थन देते हुए आ रहे हैं। जिस तरीके से बहन जी पर आरोप लग रहे हैं कि बसपा दिखाई नहीं दे रही है, बहन जी हाउस अरेस्ट हो गई हैं, बहन जी को डरा दिया गया है, धमका दिया गया है और छटनी होती जा रही है बसपा की, तो उसी सब पे हमने सवाल किए। और जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की फ़ोटो दिखा कर के केजरीवाल साहब आए थे, लेकिन अब वो भी वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं, ऐसे आरोप उन पर भी लग रहे हैं, इसी सब पर हमने सवाल किए। और इस सब पर आपकी क्या राय है, ये आपकी राय बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब,